फोर पिलर्स ऑफ डेस्टिनी बाय डॉक्टर मानव वसंत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? शायद इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप थोड़े विचार में पड़ गए हैं कि ऐसे कौन से दोष हैं जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से खराब कर सकते हैं, और कहीं ये सारे दोष या कुछ दोष हमारी कुंडली में तो नहीं है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको करना सिर्फ एक बात है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी तरह से सुनना है, सो दैट आप जान सके कि वो दोष कौन से हैं और अगर वो दोष आपकी कुंडली में है तो उसका करेक्शन कैसे किया जाए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कॉमन दोष रहते हैं जो लगभग लोग जानते हैं, जैसे कि मंगल दोष, राहु दोष, शनि दोष, साढ़े साथी, पितृ दोष, कालसर्प दोष, अढ़ैया आदि। पर इस दोषों का बहुत अच्छे से पूजा और रत्न धारण करने के बावजूद जब रिजल्ट नहीं आता है तो लोग न केवल दुखी हो जाते हैं बल्कि ज्योतिष जैसे अद्भुत शास्त्र के प्रति उनके मन में अनादर की भावना आ जाती है। इसलिए पिछले इतने सालों से मैं इस ज्योतिष फील्ड में जो कार्य कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सेमिनार्स कर रही हूँ, उससे मुझे ये महसूस हुआ है कि कुछ दोष इस प्रकार के होते हैं जिसका करेक्शन करना भी आवश्यक है, चाहे वो दोष बहुत साधारण दोष माने जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये दोष कौन से हैं। वैसे तो नॉर्मली बहुत लोग अपनी पत्रिका के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस प्रकार से 12 घर रहते हैं और किस प्रकार से उनमें ग्रहों की सिटिंग रहती है। वैसे तो नॉर्मली कई लोग जानते हैं कि हमारी पत्रिका के 12 घर रहते हैं, परंतु उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक हॉरोस्कोप का पिक्चर बना हुआ है जिसमें कि 12 घर दिखाई दे रहे हैं। अब बात यह आती है कि वो दोष कौन सा है जिसके कारण इतनी तकलीफ होती है। वो दोष है राहु और चंद्र का एक ग्रह घर में बैठना, किसी भी एक घर में राहु और चंद्र का एक साथ बैठना। राहु और चंद्र जब एक साथ बैठते हैं तो वैसे भी इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, और कई ज्योतिषी इसका थोड़ा बहुत उपाय कराते हैं या फिर इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि राहु और चंद्र जब किसी की भी पत्रिका में, चाहे किसी भी 12 घरों में से चाहे किसी भी घर में बैठे, उनकी लाइफ को जिंदगी भर प्रभावित करता है। अब थोड़ा शॉर्ट में ये समझेंगे कि ये 12 घर कौन से हैं और ये 12 घरों के कार्य कहाँ क्या हैं और किस प्रकार से ये राहु और चंद्र एक साथ बैठकर हमारे जीवन को खराब करता है। सबसे पहले आता है पहला घर, जो कि मस्तिष्क का है, आपके विचारों का है और आपके जीवन में किस प्रकार की हेल्थ रहेगी उससे संबंधित रहता है। दूसरा घर है धन का, आपके स्वाद का, जीवन का और आपके कुटुंब का। उसके बाद तीसरा घर आता है किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से संबंध जिंदगी भर मिलेंगे, किस प्रकार से उसके भाई बहनों के साथ उसका संबंध होगा, किस प्रकार से उसका फ्रेंड सर्कल होगा और छोटी यात्राएं जो रहती हैं उसके जीवन में वो किस प्रकार से उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगी। चौथा घर रहता है माता का, व्हीकल्स का, फोर व्हीलर्स का। उसके अलावा आपकी क्या प्रॉपर्टी आपके लाइफ में आपको मिलेगी और उसके अलावा आपके प्रमोशन का। पांचवा घर होता है आपकी एजुकेशन का, उसके अलावा स्वास्थ्य और आपकी मैरिज। किसी भी व्यक्ति की मैरिज, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आपको समाज में कितना यश मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके पंचम घर कुंडली के हॉरोस्कोप के पांचवें घर से निर्धारित होती है। उसके बाद छठा घर जो रहता है वो ऋण रोग शत्रु का है। सातवां घर मैरिज का है, किस प्रकार से मैरिज होगी, आपस में पति पत्नी का संबंध कैसे होगा और कब और कहां मैरिज होगी। उसके बाद आठवां घर रहता है स्ट्रगल का, आपके लाइफ में किस प्रकार से आप अपने लाइफ में स्ट्रगल्स से किस प्रकार से कम आउट होते हैं, आपके किसी की भी मृत्यु का योग कैसे और कब बनता है। नौवां घर होता है भाग्य का, हायर एजुकेशन का, उसके अलावा विदेश यात्रा का। अब दसवां घर है वो होता है आपके कर्म का, आपके ग्रोथ का, बिजनेस का, किस प्रकार का प्रोफेशन आप अडॉप्ट करेंगे आपकी लाइफ में। और ग्यारहवां घर रहता है आपके आय का, किस प्रकार से आपको इनकम होगी, कितने सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं और आपकी मैरिज जिस व्यक्ति से होगी वो पसंद से होगी या फैमिली की तरफ से कराई जाएगी और वो मैरिज चलेगी कैसे।
और 12वां घर होता है जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का, और ऑफ कोर्स जो कुछ भी आप इनकम करते हैं उसके खर्चे का। 11वां घर जहां आय का होता है, वहीं 12वां घर वो आय का व्यय किस प्रकार से आप करते हैं, अच्छी जगह पे खर्चा हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में बहुत ही तकलीफों में वो खर्चा करते हैं। अब बात आती है कि आई होप आप ये 12 घरों का बेसिकली क्या काम है और किस प्रकार से हमारे लाइफ में ये कुंडली के, ये हॉरोस्कोप के 12 घर हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप सोचिए आप लाइफ में किस चीज़ की कमी को बर्दाश्त कर पाएंगे, अगर शादी सही समय पे नहीं हुई, संतान सही समय पे नहीं हुई, बच्चों की एजुकेशन नहीं हुई, या आपको बिना वजह कोर्ट कचहरी देखनी पड़े, या फिर कोर्ट कचहरी के उलझनों में फंसना पड़े, या फिर आपका चलता हुआ बिजनेस अचानक से बंद हो जाए, ये सारी तकलीफें देता है एक राहु और चंद्र एक साथ किसी भी 12 घरों में से किसी भी घर में बैठने से। तो इस दोष का उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस दोष को हम ठीक कैसे करें। इतने सालों के लगातार इस फील्ड में रहते हुए, इतने सारे प्रैक्टिकल अनुभवों के बाद और काफ़ी लोगों को मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से फ़ायदा होने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप इस उपाय को अच्छे से सुने, और उससे संबंधित अगर कुछ और इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आप बात कर फ़ोन लगा के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी घर में ये राहु और चंद्र एक साथ बैठते हैं, तो उसका उपाय आपको करना है, किसी भी सोमवार से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। किसी भी सोमवार को सुबह या शाम किसी भी समय एक लोटे में दूध और पानी एक साथ लेंगे और बेलपत्र लेंगे 3 गुच्छे। 3 गुच्छे में आप जानते होंगे कि 9 पत्ते रहते हैं। बेलपत्र, दूध, पानी शिवलिंग पे आप चढ़ाएंगे और उस 9 पत्तों में से, यानी कि 3 गुच्छों में से किसी एक गुच्छे से एक पत्ता तोड़ के घर में ले आएंगे और अपने मंदिर में रख देंगे। दूसरे हफ्ते सोमवार के ही दिन फिर से वही पत्ता आप मंदिर में पहले चढ़ाएंगे, दूध, पानी, बेलपत्र, नए बेलपत्र चढ़ाने के बाद वो फिर उसमें से एक पत्ता तोड़ के लाएंगे और अपने घर के मंदिर में रखेंगे। इसी प्रकार हर सोमवार को आपको पुराना घर में रखा हुआ पत्ता उसी शिवलिंग में जाके छोड़ना है और नया पत्ता उस 9 पत्तों में से लेकर आना है। जब 6 सोमवार हो जाएंगे तो 7वें सोमवार को स्पेशली आपको एक मोती भी अपने साथ ले जाना है। मोती जो कि नॉर्मली हम चंद्र दोष को ठीक करने के लिए पहनते हैं, वो मोती बाजार से लेना है और उस नया मोती एक लेना है और दूध, पानी और बेलपत्र के साथ मोती भी शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। और जब वो मोती गीला हो जाएगा दूध पानी चढ़ाने से, उस मोती को उठा के शिव जी के चरणों में रखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये प्रोसेस उसी मंदिर में करें जहाँ पर शिवलिंग के साथ शिव जी की मूर्ति भी हो, शिवलिंग के साथ शिव जी की मूर्ति भी हो। तुरंत शिव जी के चरणों में वो मोती रखकर अपने पत्रिका के उस चंद्र ग्रहण के दोष को आप ये बोलते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि चंद्र ग्रहण के उस दोष को आप शिव जी के चरणों में छोड़ के आ रहे हैं और उससे संबंधित जो भी नुकसान या तकलीफ आपके लाइफ में हो रही है वो भी आप वहीं छोड़ के जा रहे हैं, धन्यवाद करते हुए बिना पीछे मुड़े आप अपने घर आ जाएंगे। खुशी समय में आप बिलीव नहीं करेंगे कि खुशी समय में उस संबंधित जो भी आपको जीवन में तकलीफ हो रही है वो डेफिनेटली दूर होगी। यहाँ मैं एक बात और बता देती हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और राहु एक घर में बैठते हैं तो किसी भी कारणवश, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताए जाने के बावजूद भी वो मोती कभी भी धारण नहीं करें, क्योंकि अगर आप मोती धारण करते हैं तो जो तकलीफ उस संबंधित हाउस से, उस संबंधित घर से आपको देर से मिलेगी वो तकलीफ पहले ही शुरू हो जाएगी अगर आप मोती धारण करते हैं। आई होप आपने ये मेरे सारे उपाय को अच्छे तरह से सुना होगा, इसको फॉलो करेंगे और इससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरे द्वारा बताए गए उपायों से कितना फ़ायदा हो रहा है तो ही फिर मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और आपके लाइफ में आने वाली सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।